सैमसंग अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करता रहता है। ऐसे में सैमसंग ही एक ऐसी कंपनी है जो कि भारतीय बाजारों में चाइनीज स्मार्टफोन को टक्कर देता रहता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपके लिए पांच ऐसे स्मार्टफोन को लेकर आया हूं जो कि 20,000 की रेंज में आते हैं और बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ। सो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। फिफ्थ नंबर पर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पर नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी A50 का। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 16,990 रुपए में मिल जाएगा। अगर हम इसके स्क्रीन साइज के बारे में बात करें तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके प्राइमरी कैमरे में आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं जो कि 25MP प्लस 8MP प्लस 5MP के हैं और फ्रंट में आपको 25MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम इसकी रैम के बारे में बात करें तो इसमें 4GB रैम देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप के लिए इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें Exynos 9610 का प्रोसेसर दिया गया है। फोर्थ नंबर पर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पर नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी A7 का। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 19,970 रुपए में मिल जाएगा। इसकी डिस्प्ले के बारे में हम बात करें तो इसमें 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 24MP प्लस 8MP प्लस 5MP के हैं और फ्रंट में आपको 24MP का कैमरा देखने को मिलता है। रैम के बारे में हम बात करें तो इसमें 6GB रैम दी गई है। बैटरी बैकअप के बारे में हम बात करें तो इसमें 3300mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब हम इसके हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको कॉर्टेक्स A53 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पर हम बात करें तो थर्ड नंबर पर नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी A40s का। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 17,999 रुपए में मिल जाएगा। अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। अगर हम इसके कैमरे के बारे में बात करें तो इसके प्राइमरी कैमरे में आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं जो कि 13MP प्लस 5MP प्लस 5MP के हैं और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम इसके रैम के बारे में बात करें तो इसमें 6GB रैम देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप के लिए इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में हम बात करें तो इसमें Exynos 7904 का प्रोसेसर दिया गया है। सेकंड नंबर पर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी M31s का। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 18,499 रुपए में मिल जाएगा। इसके डिस्प्ले के बारे में हम बात करें तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके प्राइमरी कैमरे में आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं जो कि 64MP प्लस 12MP प्लस 5MP प्लस 5MP के हैं और फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा देखने को मिलता है। रैम के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें आपको Exynos 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब हम फर्स्ट नंबर पर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी M31 का। अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर हम इसके कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें 4 कैमरे देखने को मिलते हैं जो कि 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 5MP के हैं और फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा देखने को मिलता है। इसमें आपको 6GB रैम देखने को मिलती है। अगर हम इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसमें बैटरी बैकअप के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इसमें Exynos 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये थे पांच बेस्ट सैमसंग के स्मार्टफोन जो कि 20,000 की रेंज में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा है, कौन सा स्मार्टफोन नहीं अच्छा लगा है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। जो भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे मैं उनका शॉर्ट आउट अगली वीडियो में दूंगा।